वरकातुहु आमीन वसल्लियन अम्मा बाद फलल्लाहु तबारक व तआला फी कलामिहिल मजीद वल फुरकानिल हमीद फऔज़ु बिललाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमना बिललाह वल यौमिल आखिर। हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए है। रब्बना वलकल हम्द हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। दुरूद नाज़िल हो तमाम अंबिया पर, हुस्न पर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाहुम्म बारिक वसल्लम। स्टेज पर तशरीफ फरमा सदर इजलास सूबाई जमीयत रजीस कर्नाटक गोवा के नाज़िम आला व खातिन साहब और इस मस्जिद की तामीर करने में साथ देने वाले मोहम्मद मुअज़्ज़ज़ शख्सियत और अहबाब जमात, अल्लाह तबारक व ताला का बहुत ही बहुत हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने एक उसके पाक और पसंदीदा घर और जगह में हमें जमा किया है। अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी ही जगहों पर जमा होने की अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। भाइयों, इस मुख्तसर से वक्त में मैं आपके पास दो चार बातें कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला ने मसाजिद को आबाद करने वालों के अल्लाह तबारक व ताला ने जो सिफत बताया है वो ईमान वाले हैं। इन्नमा यअमुरु, अल्लाह तबारक व ताला के मसाजिद को वही लोग आबाद करते हैं, मन आमन बिल्ला, जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला की मस्जिद तो आलिशान माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन बन चुकी है। अब हम इसको आबाद करने की ज़रूरत है, हम इसके सफ़ों को पुर करने की ज़रूरत है। जैसा कि शायर ने कहा, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों से नमाजी बन न सका। ऐसे नहीं होना चाहिए। हम मस्जिद को आबाद करना, मस्जिद की असल जीनत ये नमाजी ही अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करने के लिए जो आते हैं। हम नमाज छोड़ देंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम अपने दिल में ये खुशी महसूस कर लिए, हमारे इस शहर टिकटूर के अंदर एक मस्जिद तामीर हो गई, खुश हो गए, और हमारे इस मोहल्ले के अंदर अल्लाह का ये घर तामीर हो गया, खुश हो गए, इसी ने बना दिया, बहुत खुश हो गए, ऐसा नहीं। अल्लाह ताला आपसे उसी वक्त खुश हो सकता है जब आप इस मस्जिद को आबाद करेंगे, यानी नमाज के लिए आएंगे। आप ऐसे तो देख रहे हैं हमारे साथ जो हालात चल रहे हैं, और कैसे हालात हैं आप जानते हैं। बिल्कुल इस कोरोना की महामारी इस दौर में हम लोग कैसे देख रहे हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों अहबाब को, हम अपने उलमाए किराम को, अपने खास अहबाब को देख रहे हैं। गुज़श्ता माह में थे, इस माह में नहीं, गुज़श्ता हफ्ते में थे, इस हफ्ते में नहीं, कल थे, आज नहीं, और फिर ऐसे हम लोग देखते हुए जा रहे हैं। इसीलिए नेकियों में सबकत करने की जरूरत है। उलाइका युसारिऊना फिल खैरात वा हुम लहा साबिखून। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ये सहाबाए किराम नेकियों में सबकत करते थे, आगे बढ़ते थे। हमारा हर दौर में कंपटीशन है, हम हर दौर के अंदर एक मुकाबला रखते हैं, खेल के मैदान में और ताकत के मैदान में, शोहरत के मैदान में, हर जगह पर हमारा एक मुकाबला चलता है। लेकिन हमारा मुकाबला ईमान वालों का मुकाबला क्या है? ईमान वालों का मुकाबला ये है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मुकाबला करे। वो आदमी सुन्नत फर्ज पढ़ रहा है और सुन्नत पढ़ रहा है, नफिल पढ़ रहा है, रोजे रख रहा है, इबादत कर रहा है, हमारा भी ये तरीका होना चाहिए। उसको देख करके मैं और ज्यादा नफिल पढ़ूं, और ज्यादा अल्लाह की इबादत के करीब